दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमारे दिलराज भाई ने कई सारे वाटरमेलन को अलग अलग जगह पर 6 महीनों के लिए रख दिया था। प्रिजर्व करने के लिए हम इन कांच के बीकर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? बाबा वाटरमेलन लाओ। तो 6 महीने बाद हमें मेरे को भी यही विश्वास है कि 6 महीने बाद तक बच जानी चाहिए। और गाइस, अब क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं ऑयल यानी कि तेल। जैसे किसी को तेल के अंदर डाल दिया, किसी को जमीन में गाड़ दिया और किसी को चावल के अंदर डाल दिया। अगर आपने भी इस वीडियो को देखा है तो आप भी सोच रहे होंगे कि इन वाटरमेलन्स का क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब इन्हें 6 महीने बाद निकाला जाएगा तो इन तरबूजों का क्या हाल होगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको याद ही होगा कि हमारे दिलराज भाई ने तरबूज को चावल के अंदर डाला था। चावल में जब हम किसी भी चीज को डालते हैं तो वो उसकी नमी को सोख लेता है। कुछ दिनों बाद ये तरबूज पूरी तरह से पक जाएगा और खराब भी हो जाएगा, जैसा कि आप इस फोटो में देख ही सकते हैं। इसके अंदर का जूस पूरी तरह से चावल के द्वारा सोख लिया जाएगा और जब तरबूज को काट कर देखा जाएगा तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा और साथ ही चावल में भी फंगस लग जाएगी, यानी चावल भी पूरी तरह खराब हो जाएंगे।